देश अगेन, और इस समय मैं अल्मोड़ा में हूँ और बहुत ही खूबसूरत इस समय यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हो। और आज मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ द केयर कम्युनिटी फैमिली की तरफ से। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया। यदि लैंग्वेज एक खूबसूरत दीवार की तरह है जिससे मकान की छत टिकती है, तो आप जानिए कि बॉडी लैंग्वेज उस नींव की तरह है जिससे पूरा मकान टिकता है। और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारे थॉट पर निर्भर करती है। हमारे थॉट्स एक कैटलिस्ट की तरह होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये एक उत्प्रेरक है, किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को ये तेज या कम कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारे थॉट्स होते हैं जो हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके से होती है, और ये थॉट हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। नो मैटर आप कितने बड़े नॉलेज वाले हो, आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आप किसी चीज़ को कितना बेहतर कर सकते हो, बात इस पर करती है कि किसी चीज़ को आप किस लेवल तक सटीक कर सकते हो। उस पर ये चीज़ निर्भर होती है कि आप किसी सफलता को प्राप्त करते हो या नहीं प्राप्त करते। ये डिपेंड करती है आपके थॉट के ऊपर, और आपके थॉट्स आपके बॉडी लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं, और ये आपके एक्टिवेशन को इफेक्ट करते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने कहीं देखा है, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, मैंने वहाँ से इस कहानी को लिया। उसमें एक आदमी अपना छोटा सा काम करता है, फ्रेश सब्जियाँ बेचता है, और उसे सब्जी नहीं मिलती है क्योंकि वो दिन भर उदास रहता है, दिन भर थका रहता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है। तो किसी ऐसे आदमी से मिलता है जो बहुत नॉलेज वाले आदमी हैं, बहुत साधु संत टाइप के आदमी होते हैं। वो उसको ये बताते हैं कि डोंट यू थिंक कि आप किसी चीज़ को सस्ती बेच रहे हो, अच्छी बेच रहे हो, आप उसको एनर्जी के साथ बेचो। आप यदि एनर्जी के साथ करोगे आपके थॉट्स बदलेंगे, आपके चेहरे पे खुशियाँ आएंगी, और जब आप खुश होंगे तो आपकी एक्टिवेशन से वो दिखेगा और आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि जब आप दुखी रहते हो तो आप सिंपथी को गेन करते हो। सिंपथी ये क्या, दो दिन की होती है, उसके बाद की नहीं होती, फिर लोग आपसे कतराने लगते हैं। तो फिर उस आदमी ने उस साधु की बात मानी। मैं साधु की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैथोलॉजिकल स्टोरी है। और वो बड़े जोश के साथ बेचने लगा, उसकी सब्जियां बिकने लगी, वो पैसे पाने लगा, वो सफल होने लगा। जब वो सफल होने लगा तो वो अपने विचारों से दूर हो, जो बुरे विचार थे उससे दूर होने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस विचार के साथ स्टक करते हैं। यदि हम अपने किसी पास्ट के साथ स्टक करते हैं, पास्ट हमेशा तकलीफ देता है। यदि आपने पास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं, बहुत अमीरी देखी है, और इन फ्यूचर आप उतनी चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाते हो, नहीं गेन कर पाते हो, तो आपके विचार उधर ही जाते हो, फिर आप दुखी रहते हो, यार मेरे लास्ट टाइम में मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें थी। या आप पास्ट टाइम में बड़े तकलीफ में रहते हो और उसका रिवर्स आपको वर्तमान में होता है, तो भी आप दुखी रहते हो कि यार पहले मैं गरीब था, आज मेरे पास सब कुछ है, काश मैं तब वो कुछ कर पाता, आज ये कुछ कर पाता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डोंट स्टक विथ योर पास्ट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने थॉट को, अपने विचारों को एकदम एनर्जेटिक रखिए, खुशहाल रखिए, क्योंकि वैसा ही लैंग्वेज आप बोलेंगे, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज आपकी होगी, जैसे आपके विचार होंगे। और जब आप अपने विचारों से मजबूत होंगे तो आप अपने कर्म से मजबूत होंगे, फिर आप जो भी काम करेंगे वो 100% करेंगे। और जो आदमी 100% काम करता है डेफिनेटली वो सफलता को गेन करता है। नो मैटर, फिर मैं बोलूँगा कि आपके पास कितनी योग्यता है, आपके पास जो भी योग्यता है, जिस तरीके से उस काम को करते हैं, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी हो, खुशहाल चेहरा हो, बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो, आपकी कोई तकलीफ यदि सामने वाला नहीं समझ पाता है, तो आप इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं जिसमें हैप्पीनेस है और सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि यकीन मानिए आज की दुनिया में सबके पास स्ट्रेस है, और स्ट्रेस जो होती है वो लोगों को तकलीफ देती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से कि आप हमेशा खुश रहें, और जब आप खुश रहेंगे तो अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे, और यही सफलता का मूल मंत्र होता है। थैंक यू।